हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने कज़न की शादी में इस लहंगे को वेयर किया था और उसका व्लॉग भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। अगर आपने उस व्लॉग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसे देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस व्लॉग में मैंने आप सबको साथ ये मेंशन किया था कि मैंने इस ड्रेस को खुद ही घर पर सिला है, तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से ली है, इसकी स्टिचिंग कैसे की, इसकी कटिंग कैसे की। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्सल आया है मुझे दिल्ली से, तो ये भेजा है छोटे पापा ने, मुझे पार्सल किया है और इसमें है फैब्रिक। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने लहंगे का फैब्रिक मंगवाया है दिल्ली से, क्योंकि मैं रेडीमेड लहंगा नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा फैब्रिक लेती हूँ और उसके बाद घर पे ही सिलती हूँ। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। पहले मैं ये फैब्रिक दिखाऊंगी आपको, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी तो वो दिखाऊंगी, फिर इसके बाद स्टिचिंग करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये फैब्रिक जो है ये सना ने और अप्पी ने और सना ने परचेज़ किया है इस फैब्रिक को, और मैंने वीडियो कॉल पे देखा था। चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। यह है लहंगे का फैब्रिक, ये देखिए। जब ये सिलेगा तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये लहंगे के लिए है, और ये है ब्लाउज का फैब्रिक, ये देखिए। यह है ब्लाउज का फैब्रिक, सेम कलर है। अगर मुझे ऑल ओवर बनाना होगा तो मैं ये ब्लाउज बनाऊंगी, नहीं तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये देखिए, यह कंट्रास्ट है। और अगर मुझे कंट्रास्ट बनाना होगा तो मैं ये वाला ब्लाउज बनाऊंगी। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं ऑल ओवर बनाऊंगी या फिर कंट्रास्ट बनाऊंगी, तो देखती हूँ। दोनों ब्लाउज सिल लेंगे और जो भी पसंद आएगा वो पहन लेंगे। तो ये हो गई ब्लाउज की फैब्रिक, और ये है लाइनिंग, जैसे अस्तर कहते हैं, तो ये है अस्तर। और ये है दुपट्टा, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, ये मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो ये जो मैं लहंगा सिल रही हूँ, ये लहंगा चूनन वाले लहंगे कह लीजिए आप इसे, या फिर प्लेट्स वाले लहंगे कह लीजिए, या फिर गेदरिंग लहंगा इसे कहा जाता है, आप जो भी कहिए इसे, सब सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहला जो साइड है, पहला पल्ला, वो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए इस तरह से निशान लगाकर मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और सेम जिस तरह से हमने ये पहला वाला साइड कट किया है, उसी तरह हम सेम सेकेंड साइड भी, यानी कि दूसरी साइड भी हम सेम इसी मेजरमेंट से हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरा जो पल्ला है वो भी कट कर रही हूँ। और अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में मेजरमेंट के साथ वो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो लाइनिंग जो है वो हमने कट कर ली है, अब हम दोनों लाइनिंग को आपस में स्टिच कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पर ये दोनों लाइनिंग जो है वो आपस में स्टिच कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये प्लेन नेट 6 मीटर, जितना कि हमारा फैब्रिक है 6 मीटर, उतना ही मैंने ये प्लेन नेट भी लिया है 6 मीटर। और मैंने फैब्रिक और नेट दोनों को अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और इस तरह से अब मैं आपस में इन दोनों को स्टिच कर रही हूँ। और ये मैंने नेट जो डाला है, मैं जो नेट ये डाल रही हूँ ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे फ्लेयरी लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं फैब्रिक के नीचे ये प्लेन नेट डाल रही हूँ। अगर आपको भी फ्लेयरी लहंगा चाहिए, आपने लहंगे में फ्लेयर चाहिए, तो आप इस नेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप नेट लें तो आप सॉफ्ट नेट ना लेकर आप थोड़ा हार्ड नेट लें, क्योंकि जब आप उसको लहंगे के नीचे डालेंगे तो आपका लहंगा जो है वो थोड़ा फूला फूला दिखेगा, और इससे जो आपके लहंगे का लुक है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आएगा और बहुत ही लहंगा आपका खूबसूरत दिखेगा। तो इसलिए आप जब भी नेट डालें अपने लहंगे के नीचे तो आप सॉफ्ट नेट ना लेकर आप हार्ड नेट का यूज़ करें। और अब हम यहाँ पर सिल रहे हैं लहंगे की साइड्स को। ये देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। और अब हम बनाएंगे लहंगे की प्लेट्स, जो कि इस लहंगे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने मोटी वाली जो सुई है वो ले लिया है हमने, और इसमें हमने डाला है लंबा सा धागा, और इस तरह से हम इसमें यहाँ पर प्लेट्स दे रहे हैं। इससे बहुत ही इजीली प्लेट्स बन जाती है और बहुत ही बारीक बारीक सी प्लेट्स बनती है, और लहंगे का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो इस तरह से देखिए हम प्लेट्स जो है वो रेडी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो प्लेट्स, ये देखिए कितनी बारीक बनी है और कितनी अच्छी जो है वो दिख रही है। ये देखिए हमारी प्लेट्स जो है वो बनकर रेडी है। तो अब हम बनाएंगे बेल्ट, तो हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्ट में जो है पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है, जो हम नेक में यूज़ करते हैं नेक बनाने में। और इसके डालने का मकसद ये है कि जो मुझे बेल्ट चाहिए था वो मुझे थोड़ा सॉफ्ट नहीं चाहिए था, थोड़ा हार्ड चाहिए था। ये देखिए जो हमारी बेल्ट है वो बनकर रेडी है, और अब हम इसे लहंगे में जो है स्टिच कर लेंगे और हमारा जो लहंगा है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लहंगा बनकर रेडी हो गया है, और आपने देखा कि हमने इसकी स्टिचिंग कितनी इजीली की है। और ये है लहंगे का ब्लाउज़, ये देखिए ये लहंगे का ब्लाउज़ है, और हमने इसमें ये लेस लगाया है, और सेम लेस मैंने लगाया है इसके दुपट्टे में भी। ये देखिए ये सेम लेस हमने दुपट्टे में भी लगाया है, और हमने इसका बेल्ट भी बनाया है इस लहंगे का। ये देखिए ये है बेल्ट इस लहंगे का जो हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने कज़न की शादी में वेयर किया था, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस व्लॉग को प्लीज़ देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लहंगा जो मैंने वेयर किया, किस तरह से वेयर किया, मैं कैसी लग रही थी, इसका लुक कैसा आया, वो सब कुछ उस व्लॉग को देख कर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, और मेरा जो ये स्टिचिंग का व्लॉग था ये आपको पसंद आया या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।